नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं चित्तौड़गढ़ में हूं, आरटीडीसी पन्ना होटल जहां पर हम रुके हैं, यहां से मैं दिन की शुरुआत कर रहा हूं। कुछ समय हम चित्तौड़गढ़ में बिताएंगे, उसके बाद यहां से 2-2.5 बजे के आसपास निकलेंगे और हम उदयपुर की ओर जाएंगे। लेकिन रुकते रुकते जाएंगे, जैसे आप जानते हो हम रुकते बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है उदयपुर पहुँचते पहुँचते शाम के 8 बज जाएंगे। ये देखिए, आरटीडीसी के नेटवर्क में जितनी प्रॉपर्टीज़ है ना, उन सब के नाम लिखे हैं। मुझे मालूम नहीं नंबर्स अपडेटेड है नहीं है, लेकिन नाम से पता लग जाएगा आपको कि ये होटल है इस जगह। यहाँ पर हमने रहने के लिए एकोमोडेशन जो लिया है 1400 रुपीज़ में डबल ऑक्यूपेंसी हमको रूम पड़ा है। मैंने ऑनलाइन ही बुकिंग करवा ली थी, तो ईजी है। चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ यहाँ की फेमस मिठाई खाने, तो वो मैं आपको पहुँच के दिखाऊँगा। मिठाई मुझे कल पता चला ना, तब से बड़ी एक्साइटमेंट है कि मैं मिठाई खा के यहाँ से जाऊँगा। फिर आगे की जर्नी मैं आपके साथ जैसे जैसे चलेगी ना शेयर करूँगा। गाड़ी में हम जहाँ तक आ सकते थे हम आ गए हैं। अब हमें यहाँ से ना लगभग 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा मिठाई की दुकान तक जाने के लिए, आगे गाड़ी नहीं जाएगी। देखो अभी हम मिठाई बाजार में हैं। वैसे यहाँ से गांधी चौक भी पास ही है। रबड़ी का मालपुआ ये आपको चित्तौड़गढ़ के बाहर नहीं मिलेगा। स्वाद तो बहुत गदर है। सोचो मैं एक ऐसी मिठाई खा रहा हूँ जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। जुलाई अगस्त और सितंबर महीने में मालपुआ मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। सोचो रबड़ी और चाशनी की मिठास, व्हाट अ टेस्ट, वो बोल गया। देखो मेरा मन है गुलाब जामुन खाने का, लेकिन अभी मैं नहीं खा रहा क्योंकि मीठा ज़्यादा हो जाएगा। आजकल मैं मीठे से परहेज करता हूँ, कम खाता हूँ मीठा। अभी हम सिटी से लगभग 5 किलोमीटर बाहर की तरफ आ चुके हैं। कमलेश भाई एक चीज़ बताओ, हम जिस हाईवे पे यहाँ खड़े हैं, उदयपुर इधर को है जी, और कोटा इधर को। कोटा यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। ये लोकेशन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि घाटा जाने का रास्ता है। लैंडमार्क के तौर पर सामने ये होटल हर्ष पैलेस दिख रहा है ना, तो हम इसके सामने ही खड़े हैं। अब सामने जो पहाड़ है ना, हमें पहाड़ के ऊपर जाना है। कितने ऊपर जाना है वो तो जाने में पता लगेगा, लेकिन इस रास्ते से जाएंगे। और मेरे को ये बताया गया है कि वहाँ जब ऊपर जाके आप नेचुरल ब्यूटी देखोगे ना, वो फिर आप जाके डिफाइन करना कैसी है। तो मैं बहुत उम्मीदों से जा रहा हूँ, तो चलें। पहुंच गए हम अबेपुर घाटा। वॉट अ ब्यूटी! सिर्फ मैं ग्रीनरी देख पा रहा हूँ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख पा रहा हूँ, वो दूर सामने गदर। चलो अच्छा हो गया हम लोग चित्तौड़गढ़ आए, तो एक ऐसा व्यू पॉइंट भी देख लिया जहाँ पर आप अगर समय लेके आओ तो आधा घंटा 15-20 मिनट इंजॉय कर सकते हो और ये ब्यूटी देख सकते हो। आप कहाँ से हो भैया? लोकल? तो आप रिलैक्स कर रहे हो, बहुत बढ़िया यार। रिलैक्स फील करने के लिए आए हो, ये तो बहुत बढ़िया बात है यार, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ से देखो संगम जाने वाले हैं। दो नदियों का संगम होता है, 10 से 12 किलोमीटर का सफर करेंगे। वो दो नदियाँ, एक तो गंभीरी है और दूसरी, एक तो गंभीरी है और एक वो कोई पता नहीं, बी से कुछ नाम है ना, चलो पता लगा लेंगे। बेड़च, गंभीरी नदी और बेड़च का संगम देखने जाएंगे। संगम पॉइंट के पास तो हम पहुंच गए हैं। कमलेश भाई आप तो चलो हमें लेफ्ट राइट करते ले आए हो, लेकिन कोई अनजान आदमी तो आ ही नहीं पाएगा यहाँ पे, मुश्किल है ना? तो ये तो या तो लोकेशन पता हो एग्जैक्ट, गूगल में डाली हो, नहीं तो बहुत मुश्किल है इधर पहुंचना। अरे वाह, सही लेकर आए भाई, मेरे को तो नदियों का संगम देख हर जगह देखना अच्छा लगता है। तो ये है गंभीरी नदी, ये भूरे रंग का पानी है ना, अच्छा खासा तेज बहाव है। और ये जो पानी आ रहा है ना, ये है बेड़च नदी। नज़रों के सामने हम संगम होता हुआ देख रहे हैं, और ये संगम ना काफ़ी दूर तक दिखाई दे रहा है। नाना करते भी आधा किलोमीटर तक संगम चलते जा रहा है, क्योंकि
पानी का जो विड्थ है नदी की काफी ज्यादा बड़ी है और अब ये बन गई बेड़च। इस तरफ को एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना स्टेप्स बने हुए हैं कि अगर कोई आके यहाँ बैठना चाहता है तो बैठ सकता है घाट किनारे और शांति का मजा उठा सकता है। नाइस प्लेस। हम लंच करने जा रहे थे तो हमने सोचा बेटर रहेगा पहले हम झातला माता मंदिर विजिट कर लेते हैं, तो टेंपल के बाहर ही खड़े हैं, गाड़ी हमने पीछे खड़ी कर दी है। वैसे एक पार्किंग मेरे को यहाँ भी बड़ी सी दिखाई दे रही है, नीचे से देखो। मंदिर के अंदर आके अभी मैंने झातला माता जी के दर्शन करे हैं। इस स्थान के महत्व के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दे दीजिए। ये माता जी के स्थापना पांडव काल से पांडव के हाथ की स्थापना है मूर्ति। बहुत प्राचीन मंदिर 7000 वर्ष पहले का। हमने सुना कि किसी को अगर पैरालिसिस हो जाता है हाँ वो लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत लोगों का पैरालिसिस ठीक हुआ है। हाँ तो वो क्या करते हैं, यहाँ रहते हैं या दर्शन करके चले जाते हैं? यहाँ रहते हैं, पैरालिसिस वाला यहाँ के रहता है, ठीक हो जाता है, कोई जल्दी ठीक हो जाता है, कोई आते ही ठीक हो जाता है, किसी को 4-6 महीने भी लग जाते हैं लेकिन पैरालिसिस की बीमारी 100% ठीक हो जाती है। अच्छा जी, मैंने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं लेटे हैं, इसका मतलब यहीं पर वो रह रहे होंगे ना? हाँ, यहाँ माता जी के ठहरने की व्यवस्था भी है, धर्मशालाएँ हैं और प्रांगण बना हुआ है अच्छा, और ठहरने की पानी की जल की अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने देखा कि किसी ने ना मुर्गे को हाथ में लिया और ऐसा कर रहे थे। हाँ सर, वो जो पैरालिसिस होता है ना उसी के ऊपर उतारा करते हैं। ऐसा मुर्गे को उतारते हैं? हाँ, मुर्गे को उतारते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, उसकी बलि लिए कुछ नहीं। अच्छा, इसीलिए यहाँ इतने मुर्गे घूम रहे हैं। तो आपकी बात से जो मैं समझा हूँ कि बाजार से मुर्गा खरीदते हैं और फिर उस पर ऐसा मुर्गे उतारा करके वापस छोड़ देते हैं, उसको मतलब एक तरह फ्री लाइफ दे दी मुर्गे। फ्री लाइफ दे दी। तो कुछ देर पहले मैंने एक चीज़ नोटिस करी, नॉर्मली क्या होता है गर्भगृह की परिक्रमा ना जिस तरह से होती है, यहाँ मैं नोटिस कर रहा हूँ परिक्रमा उल्टी हो रही है। जैसे यहाँ पे लेडीज हैं ये उल्टी परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ सर, ये प्राचीन काल से चल रहा है, सब जगह सब देवी स्थान पर सीधी परिक्रमा होती है लेकिन यहाँ उल्टी होती है। तो हम यहाँ जो झातला माता का दर्शन हमने करे हैं ये उन्हीं का स्वरूप है या अलग अलग देवी है? नव दुर्गा का स्वरूप है जो ये तो अपने जैसे वस्त्र धारण करवा रखे हैं, बाकी इनका जो असली स्वरूप दिखा है ना वो माँ काली का, माँ चंडी का, माँ नव दुर्गा का सभी स्वरूप है। जय हो, धन्यवाद। लंच करने के लिए हम आरआर ढाबा आए हैं, पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, भी 4:30 बजे का टाइम है। रेस्टोरेंट के स्टाफ से मैंने इनको रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा 10 मिनट साथ ही बैठ जाओ, कुछ पूछना होगा तो आपसे उससे मैं पूछ लूँगा, तो कह रहे हैं ठीक है मैं फ्री हूँ बैठता हूँ। ये दाल है उड़द और चने की, उड़द और चने की दाल ना बाफला और बाटी के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये इन्होंने बाटी दी है, मेरे को भैया बता रहे थे कि ये मक्के की बाटी है, ये आपको ज़्यादा स्वाद आएगा पालक के साग के साथ। खीर, छाछ, मेरे को राब नहीं समझ आई, ये राब कैसे, तो दही लग रहा है ये राब सर, मक्के का दलिया करके बारीक फिर दही में डाल के जीरा मसाला से बनाया गया है, सेंधा नमक डाल के। मक्के का दलिया बारीक करके फिर कुछ बॉईल किया उसको? बॉईल किया, फिर बॉईल करके फिर उसको दही लिया, दही के अंदर डाले, मिक्सी में घुमाया, फिर जीरा मसाला नमक वगैरह डाल के इसको तैयार किया। अच्छा जी, राब ऐसा भी होता है, क्योंकि हम लोग ऐसा राब नहीं देखा जो देखने में दही जैसा दिखे। हाँ, वो छाछ जैसा बनाते हैं। हाँ सही कह रहे हो, मक्के का बाटी गर्म गर्म एकदम सही है। तो भी क्या करें, इसको इसमें डिप ही कर लें, ये ठीक रहेगा। वैसे तो चूरा बना के ज्यादा मजा आता लेकिन चलो ये भी सही है। टेस्ट तो भैया इंटरेस्टिंग है मक्के की बाटी का। तो ये मक्के की बाटी आपके मेन्यू में रोज होती है या कभी कभी? नहीं, रोज होती है। अच्छा, तो ये बाटी कुछ लोग कंडे में बनाते हैं, आप लोग का सिस्टम है कंडे का? नहीं, वो अपने मिट्टी का तवा पे। ऐसा? हाँ, मिट्टी का तवा पे बनाते हैं। मक्के की बाटी का कड़ी के साथ कैसा है? कड़ी के साथ भी अच्छा टेस्ट है। जाता है? पालक के साथ अच्छा था लेकिन ये खट्टा 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 हो गया ना साथ में, और मक्के की बाटी थोड़ा थिक है, उसका चूरा बना के
डिफरेंट हो गया टेस्ट, मतलब इस तरह का स्वाद मैंने आज से पहले कभी नहीं लिया। सोचो ना, मक्के की बाटी कड़ी के साथ। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? देसी स्वाद है, देसी। हाँ, देसी स्वाद है, ठीक कह रहे हो। तो रात को कितने बजे तक आपका रेस्टोरेंट चलता है? ये 10:30 बजे तक, रात में 10:30 तक। और सुबह? सुबह 8 बजे खुल जाता है, फिर घंटे पर बाद साफ सफाई और खाना बनाते हैं, 9:30-10 बजे खाना तैयार हो जाता है। सुबह 10 से रात को 10:30। हाँ जी। ये जो हाईवे है बाहर का, ये कहाँ से चल रहा है, कहाँ जा रहा है? ये चित्तौड़ से आ रहा है, उदयपुर जा रहा है, वाया कपासन होके फतेहनगर, अपने जाता माता पांडोली, चित्तौड़। सही है भैया, आप लोग का स्वाद मज़ेदार है, एकदम देसी और एकदम ट्रेडिशनल। बोलते हैं ना, जैसा राजस्थानी यहाँ पे खाना खा के वाकई ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ट्रेडिशनल फूड खा रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको उस माइंड सेट से खाना चाहिए कि आप कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हो और स्टेट का रीजनल फूड कैसा है, वहाँ का लोकल फूड कैसा है, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो। हल्की हल्की दानेदार मक्की, दही का मेन टेस्ट और जीरा और कुछ मसाले डाले हैं, जीरे के अलावा क्या? हाँ, जीरा, सेंधा नमक, काला नमक, हाँ, नेचुरल नमक वाला। सही है। कम शब्दों में बोलेंगे तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि हम इतना देसी खाना यहाँ पर आके खाएंगे। यहाँ का ना सिटिंग सिस्टम भी मेरे को अच्छा लगा है। यहाँ तो देखो खाट लगी हुई है और बाहर की तरफ ऊपर छतरी या नीचे मुड्डे होते हैं ना। सही है, गुड। तो हम लंच फिनिश करते हैं और उसके बाद यहाँ से हम जाने वाले हैं श्री सांवरिया जी टेम्पल। कितना, 1 घंटा लगेगा पहुँचने में? 1 घंटा, यहाँ से 55 किलोमीटर है सांवरिया जी। कितने बजे टेम्पल ओपन होता है? वो तो अभी ओपन ही है, 5 बजे हो जाएगा, 5 बजे से 8:30 तक, 9 तक रहता है। 9 बजे तक रहता है। हम इस समय श्री सांवरिया से टेंपल के बाहर खड़े हैं। मैं यहाँ पे 6:30 बजे के आसपास पहुँचा था और अभी 7:30 हो चुके हैं, 1 घंटा में यहाँ पे आए हुए हो गए। सामने जो आप एंट्रेंस देख रहे हैं, यहीं से हम टेंपल के अंदर गए थे और आए थे हम यहाँ पे सामने से। जैसे आपको लोग दिख रहे हैं ना आते हुए, ये सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये सिलसिला चलता रहता है। दोपहर में 12 से 2:30 के बीच में ब्रेक होती है, उस समय टेंपल क्लोज रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अंदर जब मैं गया ना तो जो मेन टेंपल का गर्भगृह है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, उसके हमने दर्शन करे। और टेंपल का आर्किटेक्चर भले नया है, मतलब रिसेंट में ही टेंपल रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, लेकिन खूबसूरत है। बीच में बड़ा सा गार्डन बना हुआ है और अच्छा लग रहा था वहाँ पर खड़े होके। और जब गर्भगृह के अंदर पहुँचे तो ज़्यादा समय नहीं मिलता वहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, हार्डली 10 से 12 सेकेंड मिल गए तो बहुत हो गया, क्योंकि भीड़ आ रही होती है तो वो सिक्योरिटी खड़ी है, वो आपको आगे बोलती रहते निकलो निकलो चलो आगे। और अभी पीछे आपको साउंड सुनाई दे रही है, बोल श्री सांवरिया सेठ की जय, ऐसे लोग कंटिन्यूसली ग्रुप में बोलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूँ इस स्थान के बारे में। इंडिया के जो टॉप रिचेस्ट टेम्पल्स हैं ना, उनमें से ये टेम्पल एक टेम्पल है। रैंकिंग मुझे नहीं पता, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर ऐसी मान्यता है, किसी का अगर कोई काम नहीं होने वाला होता ना, बीमारी से जुड़ा हुआ काम नहीं बोल रहा मैं, बिजनेस से जुड़ा हुआ काम बोल रहा हूँ, तो वो भगवान के यहाँ पर आकर मन्नत मांग लेते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, जो असंभव है होना। और जब वो काम हो जाता है तो यहाँ पर आके वो चढ़ावा चढ़ा देते हैं, जो कि मोस्टली या तो कैश में होता है और कम होता है कि वो काइंड में हो, तो कैश चढ़ावा चढ़ा देते हैं। मैंने देखा वहाँ बड़े सारे सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए थे, बड़ी बड़ी दान पेटियाँ थी, और दान पेटियाँ जहाँ थी वहाँ ज़्यादा जगह तो नहीं थी, आप मे भी बहुत होगा तो एक बारी में 5 नोट एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ का जो चढ़ावा है वो करोड़ में चला जाता है, मतलब यहाँ कुछ लाखों की बात नहीं हो रही, करोड़ों की बात हो रही है। इतना चढ़ावा हर महीने चढ़ता है और मान्यता इतनी है कि, मतलब मैं आपको बताऊँ, यात्री देख के आप अंदाज़ा लगा लो कि इस स्थान में विजिट करने लोग कितनी दूर दूर से आते हैं कंटिन्यूसली। यहाँ अभी बाहर आए हो तो हमें 10 मिनट हुआ है, लेकिन टेम्पल के अंदर भी ऐसे कंटिन्यूसली लाइन्स चल रही हैं। बहुत फेमस टेम्पल है ये भगवान श्री कृष्ण का, तो आपको बेसिक आइडिया लग गया इस टेंपल के बारे में। और जब आप उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच में सफ़र कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप रुकिए,
दर्शन करिए, टाइमिंग्स मैंने पहले आपको बता दिया है। चलिए अभी थोड़ा अंधेरा हो गया ऑलरेडी, क्योंकि जब मंदिर के अंदर थे तब अंधेरा कम था, और थोड़ी ऊपर मुझे गर्भगृह के ऊपर लाइटिंग भी दिख रही थी, अच्छा लग रहा था वहाँ पे खड़े होके। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, उदयपुर पहुँचना है हमको, और बीच में कहीं पर रुक कर डिनर भी करना है। हम लोग पार्किंग की तरफ जा रहे थे ना, तो मेरे को एक शॉप दिखाई दी, तो मुझे लगा बेटर रहेगा मैं आपको फ्रेम में दिखा दूं कि अंदर मूर्ति किस प्रकार की है। आप कोई भी एक फ्रेम देख लीजिए, फॉर एग्जांपल वो देख लो टॉप का फ्रेम, कृष्ण धाम श्री सावलिया सेठ, ऐसा भगवान का मूर्ति है। तो श्रृंगार के तो चेंज होता रहता है ना, कभी कैसा कभी कैसा। अब यहाँ तो देखो देखने से बड़ा लग रहा है मूर्ति, लेकिन रियल में मूर्ति छोटी है, तो आप कम से कम 15 फीट दूर से दर्शन करते हो। वैसे भैया क्या कॉस्ट है इसकी टॉप? 4,500 राइट में, टॉप राइट में। ठीक है चलो पार्किंग को चलते हैं। उदयपुर से हम लगभग 65 किलोमीटर दूर हैं। हम इस समय मंगलवाड़ में डिनर करने के लिए रुके हैं। इस ढाबे का नाम है शर्मा भोजनालय, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, अगल बगल में 3-4 ढाबे और भी हैं, सामने आप देख लो। ये है जो अल्ट्रा फेमस है, गाड़ियों की पार्किंग देख लो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी, और अंदर तो भीड़ हाई है। आओ अंदर चलते हैं। मुझे वैसे किसी ने बोला था दाल बाटी यहाँ की फेमस है, देखते हैं दाल बाटी खाएंगे साथ में कुछ और भी ले लेंगे। आइए जी, देखो अंदर आके हमने अपने लिए दाल बाटी ले ली है। ये कौन सी दाल लाए हो? ये बॉइल दाल जो बाटी के साथ में आती है, सिंपल। तो बाटी के साथ ये दाल देते हो, तो ये क्या है? वो फ्राई दाल है, ये नॉर्मल दाल है, बॉइल दाल ओनली। तो भाई हम कौन सी दाल खाएं? वो खाएं। वैसे आप ये देते हो? हाँ। तो भाई ऐसा क्यों? सर ये इसका कोई चार्जेबल नहीं है, उसका चार्जेबल है। तो कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो पैसे दाल पे नहीं सकते। अच्छा आपका मतलब है इसका अलग चार्ज है, लेकिन स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा। वैसे भी ये ओनली बॉइल दाल है, जैसे अपन करते हैं। समझ गए, केवल बॉइल दाल है, ये तड़का तुड़का लगा हुआ है। अब भैया आपके पास घी भी होता है इसके लिए? घी है तो इसको अभी क्या करना चाहिए? ऐसे तो भाई फोड़ी, आप ऐसे फोड़ दें। गर्म है बहुत यार। तो आप लोग ये लकड़ी में नीचे बना रहे हो ना? हाँ। ये जो बाटी बना रहे हो, मैंने देखा वुड फायर पे नीचे जो राख बच जाती है उसके ऊपर बाटी। सही है दाल? सर अभी नहीं, मैं चूर दिया ऑलरेडी। घी हम क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा घी दे दीजिए, थोड़ा दीजिए, इतना भर के नहीं। नहीं नहीं आप बोलो उतने डालेंगे। इतना नहीं भाई, इतना नहीं, थोड़ा कम का बस, इतना घी थोड़ी। अच्छा चूरमा ले आए साथ में? वेरी गुड वेरी गुड। ये शर्मा ढाबा ना दाल बाटी के लिए बहुत फेमस है, मेरे को बहुत लोगों ने बोला था जब इस रूट पे आप जा रहे हो ना मिस मत करना। तो घूमते फिरते हम पहुँच ही गए यहाँ पे। इनकी दाल वो शानदार है, बढ़िया तड़का शड़का लगा हुआ है। पहले मैंने चूरा नहीं बनाया था, मैंने चूरा बना के दाल में डाला ना, अब बाटी का स्वाद ज़्यादा अच्छा आ रहा है। थोड़ा लहसुन का चटनी भी टेस्ट कर ले। सही है ये भी स्वाद, हल्की सी लहसुन चटनी दाल के साथ मिक्स करके गुड टेस्ट। ओवरऑल जगह शानदार है, टेस्ट बढ़िया। जब भी आप मेवाड़ में ट्रैवल कर रहे होंगे ना, तो कड़ी तो आपको डेली टेस्ट करनी चाहिए, मतलब खानी चाहिए, एक से एक बढ़कर स्वाद आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। पिछले 3-4 दिन में ना मैंने 4-5 जगह कड़ी टेस्ट करी है, ये चीज़ अलग है। यहाँ पर कड़ी ना थोड़ी थिक बनती है, इतनी गुजरात इतनी पतली नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पतली कड़ी बनाई है, कड़ी पत्ता सरसों बेहतरीन फ्लेवर। को ऐसा लग रहा है जितना मैं दाल बाटी इंजॉय कर रहा हूँ ना, सेम लेवल पे मैं कड़ी का टेस्ट इंजॉय कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है। देखने से मेरे को क्या लग रहा है मालूम, ये हर टेबल में इस प्रकार से बड़े पतीले में जाके दाल दे देते हैं, क्योंकि हर टेबल में मेरे को एक पतीला दिखाई दे रहा है। चलो सही है, ये भी इनका सिस्टम है, थोड़ी दाल और लेंगे। नेक्स्ट देखो ना दाल का कितना गजब है,
स्वाद भी बढ़िया। मेन बात गेम सारी यहाँ पे तड़के की है, दाल में फुल ऑन तड़का है। चूरमा देखो कितना सॉफ्ट है, ओए होए वाह। मजा ही आ गया। देखो बेसिकली बाटी को चूर के चूरमा बनाते हैं, घी डालते हैं, कुछ लोग इलायची भी डाल देते हैं, इलायची पाउडर और हल्की हल्की नारियल और चीनी। बहुत सॉफ्ट और अल्ट्रा फ्रेश है, दिल खुश हो गया चूरमा खा के। अच्छा हो गया हम लोग यहाँ पर आए और हमने डिनर कर लिया। अब आगे हमारा सफ़र भी लंबा है ना, एक घंटे का। अभी क्या हो रहा है ना, रात के 9:15 का टाइम है। अब जाकर हम मान लो 9:30 निकलते हैं यहाँ से, 1.25 डेढ़ घंटा पहुँचने में लग जाएगा। 1.25 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो बाय द टाइम हम उदयपुर पहुँचेंगे, क्या टाइम हो गया होगा, 9:30-11 बज जाएगा उदयपुर पहुँचते पहुँचते। एक काम करता हूँ आपको, मैं इधर ही बाय बाय कर देता हूँ। उदयपुर पहुँच के हमको तो नाइट स्टे ही करना है और फिर हम अगले 3 दिन उदयपुर में ही हैं। आने वाले एपिसोड्स में आप 3 एपिसोड्स उदयपुर के बैक टू बैक देखोगे, राइट। अभी आपको मैं यहीं बाय बाय कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम।